प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बार फिर फीस जमा करने के लिए असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल में पेरेंट्स ने हंगामा किया है। पेरेंट्स का कहना है कि जब 3 महीने की फीस पूरी तरह से माफ किया जा रहा है तो फिर असदुल्ला खान स्कूल में क्यों नहीं फीस माफ हो रही है। असदुल्ला खान ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने पूरी साल में सिर्फ 3,500 रुपये माफ किए। वहीं एनसीपी के कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान ने मुमरा कौसा एजुकेशन फीस सॉल्यूशन कमेटी बनाई थी, जिसमें असदुल्ला खान स्कूल ने 3 महीने की फीस इसी एजेंडे के तहत माफ करने का ऐलान किया था। मगर आज जब असदुल्ला खान स्कूल पर फीस को लेकर विरोध करने लगे पेरेंट्स, इस दौरान जब हमने बात की पेरेंट्स से, वो भी हम आपको सुनाएंगे। और स्कूल के ट्रस्टी असदुल्ला खान ने बताया कि फीस सॉल्यूशन कमेटी को हमने बता दिया था कि हम सिर्फ 3,500 रुपये पूरे साल के फीस में से ही माफ करेंगे। मगर वहीं असदुल्ला खान सर के बेटे सादुल्ला खान ने भी शानू पठान और शमीम खान के सामने 3 महीने की फीस माफ़ करने का ऐलान किया था। मगर जब पेरेंट्स 3 महीने की पूरी तरह से फीस माफ़ की बात कर रहे हैं तो ऐसे में सिर्फ पूरे साल में सिर्फ 3,500 रुपये फीस कम करने की बात कही जा रही है। वही असदुल्ला खान फीस सॉल्यूशन कमेटी के एजेंडे को लेकर जब उनके पास ये कमेटी आई थी, इनका कहना है कि हमने उसी वक्त उनसे कह दिया था कि हम सिर्फ 3,500 रुपये फीस ही माफ़ करेंगे। मगर वहीं जब शमीम खान और शानू पठान असदुल्ला खान के बेटे सादुल्ला खान से बात की थी तो उस वक्त सादुल्ला खान ने 3 महीने की फीस पूरी तरह से माफ करने की बात कही थी। देखिए ये वीडियो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट यूनिक एजुकेशनल सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ डॉक्टर जितेंद्र आहवार सर एंड ऑल द रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द फीस रेजोल्यूशन कमिटी। वी are now very proud to announce that we have scraped off 3 months of fees and this is the pattern. ये वो pattern है जिसमें हम अपना पुराना pattern छोड़कर ये pattern पर हम implement कर रहे हैं, because ये pattern uniformly मुम्बरा में accept होना चाहिए, सारी स्कूलों को accept करना चाहिए और इस पर implement करना चाहिए। Secondly, alhamdulillah by the hard work of Shamim bhai, Shanu bhai, madam and every other members, 69 plus schools have already submitted their acceptance and I hope ke inshallah this thing will go on beyond Bumrah, beyond Kalwa, beyond Thane and this should echo in the whole of India. Or we have to set an example ke this is the constituency of Dr. Jitendra Awar sir, wherein people have stood up, people have voluntarily came up and they are working for the community, they are working for the benefit of the community. I hope inshallah iska ajr humko aakhirat mein milega aur wo sare logo ko mile jo log isme bina kisi mafad ke jee jaan se lage hue hain. Thank you, assalamu alaikum. प्राइमरी में जाते हैं तो 1,150 से 3,450 3 महीने की होती है। मैंने राउंड फिगर 3,500 रुपया हमने खर्च किया है। अब हम उसको कहीं भी एडजस्ट करें हमारे अकाउंट में दिखाने के लिए हमने उसको एक खास इसके अंदर जो है उसको दिखा रहे हैं। फीस को लेकर पेरेंट्स यही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब 3 महीने की फीस माफ़ करने का असदुल्ला खान स्कूल से ऐलान किया गया था तो आखिर 3 महीने की फीस पूरी तरह से क्यों नहीं माफ़ की जा रही है। पेरेंट्स ने क्या कुछ कहा है सुनिए। मैं ऐसी इकट्ठा हुई हूँ, मैं फीस के लिए हुई हूँ। मेरे हस्बैंड भी नहीं है, ये मेरा नवासा है, नवासे का ना बाप है ना कौन है करके। उसकी मम्मी इंडियन स्कूल की टीचर है, सुपरवाइजर है। वो इसने ऑप्शन उठाई है स्कूल में करके, बोले हर स्कूल में फीस माफ की है, ये स्कूल में क्यों नहीं कर रहे। कौन सी स्कूल है यहाँ पर? ये असदुल्ला हाई। कितना फीस भरे आपने अभी? पूरा टोटल 8,000 दिए थे। जो 3 महीने के फीस जून जुलाई अगस्त की माफ करने के बाद सामने आ रही थी, वो 3 महीने के फीस इन्होंने माफ किए हैं या नहीं किए? 3,500 रुपया सिर्फ कम किए तो इसके ऊपर से मैंने ऑप्शन उठाई, कई लोग मानने को तैयार नहीं है, बोलते 3,500 में सब हो गया, सब हो गया। लेकिन हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बेटी है तो वो भी बेचारी बेची है, तो मैंने ये जेवर रखे हैं अभी 8,000 रुपया।
भरी। स्कूल की फीस ये लोग जून से ले रहे हैं, जून से लेके नवंबर तक क्लियर करो बोले, जबकि जितेंद्र रावत से हम लोग ने सुने थे कि 50% डिस्काउंट देंगे, लेकिन ये लोग जून से पूरी ले रहे हैं। तीन महीने की फीस नहीं ले रहे, तीन महीने की फीस एक्टिविटी जो फीस थी उन्होंने 3500 वही माफ किए, बाकी टर्म फीस भी ये लोग ले रहे हैं। यानी फीस थी 1150 तो ये लोग 1100 के हिसाब से पूरे 7 महीने की फीस नवंबर तक का 15000 ले रहे हैं। पूछा नहीं कि क्यों ले रहे हैं, तीन महीने की फीस। हमने बात नहीं की कि और भी स्कूलों की माफ हो गई तो नहीं, कोई भी स्कूल की नहीं माफ हुई, लेकिन हमारे घर का बच्चा अब्दुल्ला पटेल भी पढ़ता है, अब्दुल्ला पटेल भी पढ़ता है, उसकी फीस 700 थी जो 500 है, अभी 500 ही ले रहे हो। और नादियुल फला में भी एक बच्चा है हमारा, उसका 1000 रुपया फीस थी, 600 रुपया ले रहे, लेकिन ये लोग सिर्फ 50 रुपया कम कर रहे और पूरी फीस ले रहे। और अभी बात करने आओ तो बोलते घर में खाना नहीं खा रहे, घर का भाड़ा नहीं भर रहे, मोबाइल रिचार्ज नहीं कर रहे, ऐसा बात कर रहे। राहिला मिस ने बोले कि तुम लोग घर में खाना नहीं खा रहे क्या, मोबाइल रिचार्ज नहीं कर रहे, टीवी रिचार्ज नहीं कर रहे, केबल नहीं देख रहे, तो हमारी फीस भी क्लियर करो। तो हमने बोले कि हम क्या ये स्कूल में आके क्या लोगों का पंखा यूज कर रहे हैं, खेल की लाइट भी नहीं यूज कर रहे, क्या करे, क्लासरूम को हम यूज नहीं कर रहे। मुख्य अध्यापक शिकायत की इस बारे में, हम लोगों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को बोल रहे राहिला मैम से बात करो, हम लोग ने राहिला मैम से बात करे तो उन्होंने हमको इतनी बातें सुना दी कि भाई फीस भरना ही है। तो हमने बोले जब स्कूल नहीं है कल हमारे बच्चों के पेपर 1 तारीख को पेपर चालू हो रहे हैं, तो बोला नहीं बोला पेपर नहीं देंगे, जब तक आप फीस नहीं भरेंगे जब तक पेपर नहीं देंगे, कार्ड लेकर आओ, कार्ड लेकर आओ तो फीस जमा रहेगा, फीस कार्ड देंगे तो हमको क्वेश्चन पेपर देंगे, ऐसा मतलब उन्होंने अभी तक ऑनलाइन ले रहे थे, अब ये नहीं निकालेंगे यहाँ भी रहेगा तो तुमको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, तुम घर से हल करो के लाके पेपर क्या। स्कूल प्रशासन से ये कहा कि जो यहाँ के एनसीपी के कलमा मुमरा के अध्यक्ष है शमीम खान, उन्होंने इन लोगों को एक एजेंडा दिया था कि 3 महीने की सारी फीस माफ की जाए। कुछ नहीं सुन रहे, मैंने उनको मैंने सर को बाकायदा वीडियो बोल रहे क्या कि जो जो स्कूल ने माफ किया है वो खैरात पे चलती है, हमारी स्कूल खैरात पे नहीं चलती, हम अपना लगाते हैं। मैंने बोला कि जब आपका कोई रिसोर्स यूज में नहीं आ रहा है, सब चीज हम लोग खर्चा करना, तो स्कूल की फीस क्यों देंगे, बोले देना ही पड़ेगा, अगर एग्जाम देना है तो फीस देना पड़ेगा। कुछ नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, नहीं वहाँ पे शिकायत नहीं किया, माफ करती है यहाँ से लेके दिल्ली तक, मैं दिल्ली की हूँ तो मैंने ये भी कहा, मेरे पोता पोती 12 पोता पोती यहाँ पे है, तो मैंने कहा कि आपको ये थोड़ा कंसिडर करना चाहिए, एक तो लॉकडाउन के वक्त लोग कैसे कैसे खाना खाए वो हमने देखा है, लोगों के से मांग मांग के खाया है, और तुम ऐसे वक्त उन लोग के फीस ले रहे हो, कम से कम जून जुलाई अगस्त तो छोड़ना है, नहीं बोली वो, बोले हमारे स्कूल में, बोली नादिल बोला आधा फीस ले रही है, बोले वन रखना स्कूल है, मैं बोली क्या उसका बच्चा 10th नहीं पास करता है, क्या उसके बच्चों का अलग बोर्ड एग्जाम पेपर मिलता है, वही मिलता है ना, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिटी वाले ने सीधा सोशल मीडिया पे डाला था कि 40 स्कूल वालों ने फीस माफ किया है, 12 जो भी 69 हो जी, इसमें इनका भी नाम था, वो हिसाब से सब लोग थोड़ा थोड़ा भर रहे थे, लेकिन इन लोग बोलते पूरा भरना पड़ेगा, 3500 रुपए एक बच्चे का, अभी 4-4 बच्चे का फीस है, 30-40 हजार आदमी कहाँ से भरेगा, तो बोले नहीं भरेंगे तो पेपर नहीं देंगे, नहीं जाने दो, बात ही नहीं सुनता कोई, बात ही नहीं, जाने दो नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं, हमारी हमारी मुश्किलें हमारे सामने पड़े, यहाँ से निकलो निकलो चलो निकलो, कुछ भी होता है तो यहाँ से भगा, हाँ भगा देते हैं, मैंने कहा फोन भगाएगा वो देखती हूँ मैं, मुझे भी आता बात करने को, मैं भी एक स्कूल रहनुमा स्कूल की फर्स्ट प्रिंसिपल थी, मैं बोली ये तरीका नहीं आपका बात करने का, स्कूल में होने के बाद गर्दी हो जाती, जब गर्दी नहीं लगती जब हटाना, फिर मैं अकेली पहला बात करी मैं ही राहिला से, कोई बोलने वाला नहीं, 12 बच्चे पढ़ रहे घर के, कहाँ से लाके देंगे, मेरे एक फैमिली के 12 बच्चे हैं यहाँ पर, कोई जरिया बनाइए, बोली मैंने बताई ना फीस भरने में भी वही फीस भरने आई थी, मैंने बात भी करी पहले आलिया मिस, तो आलिया मिस ने हाँ फीस भरी मैंने 3 महीने फीस, मैंने बोला मतलब हर स्कूल में कंसेशन किए ना उन्होंने, उस हिसाब से हम लोग को भी कंसेशन थोड़ा मिलना चाहिए ना, मतलब नहीं कंसेशन है कोई भी स्कूल में, जबकि अब्दुल्ला पटेल का, अब्दुल्ला पटेल मेरा बच्चा एक पढ़ता है हमारे घर का, उसकी 500-700 फीस थी, 500 ही लिए उन्होंने, यानी और स्कूल मदद कर रही है इनका, तो उसका तो मुझे भरना, उसका साल तो नहीं खराब, 7th का था मैंने उसका नहीं भरी, क्योंकि मैं नहीं कर सकती अभी ऐसा, क्योंकि साल की फीस लोग
कहना फीस भरो और आपको एग्जाम का पेपर मिलेगा। कहाँ से फीस भरेगा इंसान? हम लोग, मैं भाड़े पर रहती हूँ, मैं भाड़ा भरू, बच्चों का देखू, मेरा एक बच्चा 3 महीने में पढ़ता, उस लोग ने 3 महीने की फीस माफ की है, उसने तब ये नहीं किए कि जोर नहीं डाले कि तुम आके फीस भरो कि तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा। सर का बकाया था, सर एनसीपी ने जो वीडियो बना के दिए, मैंने तो बकायदा सर को फॉरवर्ड भी की थी कि सर ऐसा है तो आप क्यों हमारे पर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं सर, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, मैसेज नहीं आया व्हाट्सएप पे कि क्या है क्या और हमारे यहाँ क्या मुश्किलें हल करेंगे, वो भी उनको कोई पड़ी नहीं है, तो हम किसके पास जाएंगे बताइए आप। सर ऐसा है कि हम लोग के घर में खाने का नहीं है, हम लोग बच्चे लोग कहीं खिचड़ी खा रहे हैं। आप लोग जो एनसीपी की वीडियो देखे थे तो उनके कार्यालय पे आप लोग कभी? मैं गई थी, मैं 3 कार्यालय पे गई थी, मैं शानू पठान जी के वहाँ जो दरगाह गली वहाँ गई थी भाभी को लेके मेरी, फिर वहाँ से लॉक था तो फिर हम वापिस इस पे आए, खड़ी मशीन की तरफ आए, वहाँ से लेके वहाँ भी बंद था तो हम तनवर पे भेजा गया, इशरत भाई के हमको नंबर दिया गया कि इससे बात कीजिए, लेकिन इशरत भाई क्या मालूम बिजी थे कि क्या अभी तक उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, बोले हाँ मैं देखता हूँ, लेकिन अब हम करे तो क्या करे, इसलिए हम लोग ने आप चैनल की हेल्प की है। पेपर नहीं देंगे अच्छा ले पा रहे हैं पर एक तारीख हम बाहर जाके मारे आते हैं ना पैसा, ये फीस नहीं भरा हुआ बोलते हैं पेपर नहीं दे जाएगा, क्या करें बोलो, इससे क्या होगा? नहीं जोर तो पेपर बोलते हैं नहीं 6 महीने का एग्जाम करने वाली, अगर हम फीस नहीं भरेंगे तो हमारे बच्चों को पेपर नहीं देने देंगे, चलेगा बताइए। और आप लोग हम लोगों को ये नहीं बता सकते कि सर फीस नहीं भरना है, आपने क्या बोला 3 महीने की फीस नहीं भरना है, आपको तो क्लियर करना चाहिए था कि सर फीस नहीं भरना है, आपका मैंने पहले वाला वो देखा ना न्यूज, आपने क्या बोला था उसमें कि 3 महीने की फीस माफ हुई है, सर फीस का आपने बोला सही नहीं बोला, कम्प्लीट माफ हुई कहाँ माफ हुई, लेकिन सर फीस ले लिया वही बात पड़ना पड़ गया लोगों को, हमको तो वही बात पड़ गई, आप लोग भी क्लियर किया करिए, हमारे बच्चों को तो पढ़ा नहीं देना, ये हमें एग्जाम नहीं देने देना तो मतलब क्या बताइए ना, ना बच्चों को एग्जाम होगा ना कुछ होगा तो कैसे काम चलेगा, आप भी लेकिन क्लियर आप बच्चों को पढ़ा दे, ये भी तो पता चले बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, आप क्या पढ़ा रहे हो ना।